अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह पिक्सल लैब के अंदर एक मुख्तसर डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। अगर आप लोगों के पास पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो ये प्ले स्टोर पर आराम से आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से ये वाला आपको बटन नज़र आ रहा होगा, इसको दबाएँ और यहाँ से अपना बैकग्राउंड सेट कर लें। ये इमेजेस सारे आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये वाला हम बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड सेट करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ ए वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको दबाएं और यहाँ पे जमा वाला बटन दबा दें और आप अपना नाम लिख लें। नाम लिखने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और यहाँ पे सेट कर लें। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा शेड वाला, इसको ऑन कर दें। फिर थोड़ा नीचे आके आपको एक और बटन नज़र आ रहा है, इसको भी ऑन कर दें। फिर थोड़ा ऊपर आके ये जो ऑप्शन है इनको थोड़ा थोड़ा कम कर दें। जितना मैंने किया है इसको ऊपर 70 रख दें और नीचे 6, और उसके बाद यहाँ से निकल आएँ बाहर। उसके बाद आपको ये बटन नज़र आ रहा होगा 3D वाला, ये वाला बटन दबा दें और इसकी जो डेप्थ है वो 8 रख दें, इसको 8 कर दें। और जो डार्कनेस है वो 50 रख दें और यहाँ से भी आप बाहर निकलें। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, थोड़ा सा पीछे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा टेक्सचर वाला, टेक्सचर पे चले जाएं और ये वाला टेक्सचर आप लोग सिलेक्ट कर लें। ये टेक्सचर भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। ऐसा करने के बाद आपको ये छोटा सा बटन आपको नीचे नज़र आ रहा है, इसको भी ऑन कर दें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट वाला बटन है, इसके ऊपर आ जाएं और उसके बाद माई फ़ॉन्ट, ये मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं, उनमें से मैंने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं उसका नाम आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने यही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है, बल्कि ये फ़ॉन्ट भी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूँगा। यहाँ पर ये वाला मैं फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग इसको नाम लिख लें और डाउनलोड गूगल से भी करना चाहें कर सकते हैं और यहाँ से भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह आप इसको सेट कर दें। मज़ीद इसकी एक छोटी सी मैं सेटिंग सिर्फ करके आपको बता देता हूँ। ये 3D टेक्स्ट पे आके नीचे जो इसकी डार्कनेस है इसको थोड़ा सा कम कर दें, 35 पे कर दें, बाकी सब ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया।